हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब रसोई स्वाद भंडार में। आज हम आपके लिए लाए हैं पनीर मटर की एकदम नई रेसिपी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि हमारी पनीर मटर की रेसिपी कैसी है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा तेल पूरी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने तेज़पत्ते को डालेंगे। ये हमारा तेज़पत्ता हो गया। तेज़पत्ता डालने के बाद हम अपने खड़े मसालों को डालेंगे, जिसमें इलायची, जायफल, लवंग आदि सब है। उसके बाद हम इसमें जीरा को डालेंगे, लगभग 150 ग्राम जीरा। ये हमारा जीरा हो गया दोस्तों। जीरा के बाद हम अपने मिर्चे को डालेंगे। ये हमारा मिर्चा रहा, जो कि 150 ग्राम मिर्चा भी है। इन सबको डालने के बाद हम एक बार अच्छे से चला देंगे दोस्तों। खड़े मसालों को डालने के बाद दोस्तों, हम अपने प्याज को डालेंगे, जो कि 20 केजी प्याज है हमारा। प्याज को डालकर ऐसे ही खोलकर चलाते रहेंगे, जब तक कि हमारा प्याज सुनहरा लाल होके गलने ना शुरू हो जाए और गल ना जाए। हमारा प्याज जल्दी से गल जाए दोस्तों, इसके लिए हम इसमें लगभग 100 ग्राम से 150 ग्राम तक नमक को ऐड करेंगे। ये हमने अपने नमक को ऐड कर लिया। इसके बाद होगा क्या दोस्तों, कि हमारा प्याज जल्दी से गलेगा और समय कम लगेगा। नमक को डालने के बाद दोस्तों, हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च को डाल देंगे। ये अपना स्वाद भी बढ़ाता है और कलर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। हमारी जब सब्जी बनकर तैयार होगी तो उसमें बहुत ही सुंदर कलर आएगा। तो इन सबको डालने के बाद दोस्तों, हम इसको एक बार फिर से अच्छे से चला देंगे और इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे धीरे धीरे, धीमी आंच पे। हमारा प्याज गलना शुरू हो गया है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा कलर भी आ रहा है हमारे प्याज में। अब हम इसमें अपने लहसुन और अदरक के पेस्ट को डालेंगे। ये रहा हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसमें कि 2 किलो अदरक का पेस्ट है ये, और वो लहसुन का पेस्ट है जो कि 2 किलो है। अब हम इसको अपने प्याज में डालेंगे। अपने लहसुन और अदरक के पेस्ट को इसमें एक साथ डाल देंगे दोस्तों। अपने लहसुन और अदरक के पेस्ट को डालने के बाद हमको अपने ग्रेवी को लगातार चलाते रहना है, क्योंकि यदि इसको चलाया ना जाए तो यह बर्तन में नीचे पकड़ने लगता है। तो इसको लगातार चलाते रहेंगे दोस्तों, जब तक कि हमारा प्याज गलकर पूरी तरह स्मूथ ना हो जाए। हमारा प्याज दोस्तों गलकर एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें अपने गरम मसालों को डालेंगे दोस्तों। ये रहा हमारा गरम मसाला, जो कि 300 ग्राम है। गरम मसाला डालने के बाद हम इसमें हल्दी पाउडर को डालेंगे। रुक गया, ये रहा हमारा हल्दी पाउडर, इसकी भी मात्रा 300 ग्राम है। एक बार इसको हम अच्छे से चला देंगे। उसके बाद हम इसमें धनिया पाउडर को डालेंगे। ये रहा हमारा धनिया पाउडर दोस्तों, इसको हम 200 ग्राम रखे हैं। मसालों को डालने के बाद हम इसको एक बार अच्छे से चला देंगे, ताकि एकदम अच्छे से मिल जाए, और इसकी भुनाई करते रहेंगे, क्योंकि यदि भुनाई न किया जाए तो मसाला नीचे लगने लगता है। हमारा मसाला पूरी तरह तैयार है दोस्तों। अब हम इसमें अपने मटर को डालेंगे, जो कि 5 केजी है। 5 किलो मटर को हम अपने ग्रेवी में डालकर इसको भी मसालों के साथ अच्छे से भुनेंगे। मटर के बाद हम अपने टमाटर के पेस्ट को डालेंगे, जो कि 3 किलो टमाटर का पेस्ट है। इसमें डाल देंगे और डाल के
एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे हम अपने ग्रेवी को। यह रहा हमारा भुना हुआ दाल मखाना का लावा, इसको भी हम अपने ग्रेवी में डाल देंगे दोस्तों। डाल इस तरीके से, खाना का लावा डालने से दोस्तों हमारी ग्रेवी और भी स्वादिष्ट हो जाएगी और हमारा ग्रेवी जो है गाढ़ा बनाता है। दाल मखाना लावा हमारी ग्रेवी को और गाढ़ा बनाता है। हमारा मटर और पूरा ग्रेवी पूरी तरह तैयार है दोस्तों। अब हम इसमें गरी के बुरादे को डालेंगे जो कि आधा केजी है। ये हमारा गरी का बुरादा है दोस्तों। इसको डालने के बाद इसको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। गरी का बुरादा डालने के बाद हम इसमें खोवा के घोल को इसमें डालेंगे दोस्तों। हमारा खोवा दोस्तों, इसको हम अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे, इसका घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। खोवा के घोल को कुछ इस तरीके से तैयार कर लेना है और ये हमारे ग्रेवी में डालने के लिए तैयार हो चुका है। ये रहा हमारा खोवा का घोल। इसको डालने के बाद दोस्तों हमारा जो ग्रेवी है पूरी तरह गाढ़ा हो जाता है और स्वाद को भी बढ़ाता है। खोवा के घोल को डालने के बाद हम इसमें पनीर को भी डाल देंगे दोस्तों। लगभग आधा केजी पनीर है जिसको कि मैश करके हम अपने ग्रेवी में डाल देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं ये भी हमारे पनीर की सब्जी का स्वाद बढ़ाएगा। इसके बाद हम दोस्तों अपना कटा हुआ पनीर डालेंगे जो कि 1:1 के फॉर्म में कटा हुआ है और ये हमारा 10 केजी पनीर है जिसको कि हम अपने ग्रेवी में डालेंगे। तो अब हम इसमें अपने पनीर को ऐड करेंगे दोस्तों और इसको चलाते भी रहेंगे। ये रहा हमारा पनीर दोस्तों। दोस्तों हमने पनीर को डाल दिया है और इसको एक बार अच्छे से चला भी चुके हैं। अब हम इसमें कसूरी मेथी को ऐड करेंगे। कसूरी मेथी के बाद हम इसमें एवरेस्ट मसाले को भी ऐड कर दिया है। एवरेस्ट मसाला ऊपर से डालने के बाद स्वाद और भी अच्छा लगता है। इसके बाद हम इसमें जलजीरा को ऐड करेंगे। ये रहा हमारा जलजीरा, इससे स्वाद और भी बढ़ता है। अब इसके बाद दोस्तों हम इसमें लाल मिर्च पाउडर को भी ऐड कर देंगे। ये रहा हमारा लाल मिर्च पाउडर, ये कलर के साथ साथ स्वाद को भी बढ़ाता है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, इसमें हम नमक को ऐड करेंगे स्वादानुसार। ये रहा हमारा नमक, आप अपने हिसाब से डालिएगा, नमक तेज मत करिएगा। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें बहुत ही ज़रूरी देसी घी को डालेंगे। तो हमारे मटर पनीर की सब्जी पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी है। तो वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।